सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। विराम। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। विराम। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। विराम। भारत का किसान इस देश का जीवन है। विराम। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। विराम। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। विराम। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीजें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। विराम। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। विराम। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। विराम। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। विराम। यह मैं आवश्यक समझता हूँ क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान होता है। विराम। पैरा। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है। विराम। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। विराम। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। विराम। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। विराम। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। विराम। तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। विराम। किसान की रोजाना के उपयोग की चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं। विराम। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। विराम। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है नहीं तो देश में क्रांति हो जाएगी। विराम। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं। विराम। लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली
जा रही है विराम। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है विराम। उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं विराम पैरा। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है विराम। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए विराम, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले विराम। आज हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है विराम। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए विराम। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे विराम। कल मैं वित्त मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं विराम। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए विराम। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क एक पर एक ही तरह का काम होने वाला था विराम। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपए प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपए प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा विराम। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो इस बात की जांच हुई जिसमें 1 करोड़ रुपयों की बचत हुई है विराम। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी विराम। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया विराम, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूं विराम। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है विराम पैरा। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है विराम। वहां पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है विराम। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता विराम। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा विराम। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहां जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है विराम। ठेकेदार आपके विभाग के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं विराम। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूं और उसको न आप बंद कर सकते हैं और न मैं बंद कर सकता हूं और न लोग विराम। फुल स्टॉप।